धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू से आए हैं। मेरा नाम नीलम है और 2 दिन पहले आपके यहाँ से हमने एक डॉग को उठाया था। तो जब हम उसको यहाँ से रेस्क्यू करके लेके गए थे तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको चेक किया तो उसको थोड़ा हमने क्वारंटीन में रखा हुआ था क्योंकि उसका बिहेवियर वाइज थोड़ा हमें ठीक नहीं लगा। तो आज ही सुबह मतलब उसमें रेबीज़ वाले सिम्टम आए, तो उसको रेबीज़ हुआ है। तो उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं कि अगर जैसे आप फीडर हैं, खाना देते हैं डॉग्स को, तो अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई आया है तो आप हमें बताइए उसके बारे में, हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। और अगर आप लोगों ने उसको हाथ लगाया है या किसी को काटा है तो आप लोगों ने भी खुद को सावधानी के लिए इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीनेट करना है धर्मशाला जनरल हॉस्पिटल में। हाँ, और आगे से अगर आपको कोई लगता है डॉग ऐसा कि बीमार है, ढीला है, खाना नहीं खा रहा है, तो आपने हमें कॉल करना है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। आपने खुद से उसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि जैसे हम खुद से डॉग को पकड़ते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि डॉग को क्या हुआ है। आप लोगों को वैसे ही पता नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है, कि हाथ में जैसे कट लगे होते हैं उसको पकड़ेंगे तो उसमें से थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनका स्लाइवर वगैरह ये सब लगा होता है। तो मतलब इससे आप लोगों ने डरना नहीं है क्योंकि इसकी सावधानी अगर हम बरते हैं तो इसका इलाज है। रेबीज वाले कुत्ते को तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन जैसे खुद के लिए सेफ्टी ये है कि वैक्सीनेट खुद को कर सकते हैं। और उनका जो बर्तन है, खाना है, जैसे रेबीज वाले डॉग का जो उसमें खाना खाया है वो सब आपने उठा देना है, वो फेंक देना है ताकि दूसरे कुत्ते उसमें मुंह ना डालें।